हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए एक न्यू वीडियो। आज आप दो स्कूटर का हम टोचन करने वाले हैं। आज की वीडियो है टोचन। तो हमारी एक साइड है जुपिटर और दूसरी साइड है एक्टिवा 125 BSX। हम इन दोनों की हमने रेस भी कर लिया और कंपैरिजन भी कर लिया है, तो रह गया है इसका टोचन। रेस में जैसे एक्टिवा जीत गई क्योंकि वो 125 cc है और वो 110 cc है, तो शायद अब हम टोचन करेंगे तो इनका दम देखेंगे। रस्सियाँ हम ले आए हैं अपने साथ, तो बांधेंगे, इधर ही हम टोचन करने वाले हैं। तो देखते हैं, रोड पे हम टोचन कर नहीं रहे क्योंकि रोड पे फिर ठीक से होता नहीं है, टायर स्लिप करेगा और टायर घिस भी जाएगा। तो हम थोड़ा सा दूसरी थोड़ी पग मिट्टी में आए हैं, यहाँ पर हम करेंगे टोचन। तो दोस्तों, मैं राहुल, आप देख रहे हैं संधू ब्लॉग्स, तो चलो शुरू करते हैं। आंदे आंदे आंदे। आंदे। हवा घट है तेरे पिछड़े अच्छे हवा घट है ला दी होए डोरा चल 1 2 3 स्टार्ट। बस बस ये दोनों होगी स्टार्ट, थोड़ा आगे करो, एकदम रेस नहीं देनी चक्के सलाइड ना, तो चक्की जाओगी स्कूटरी। ये होने वाला स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट। ओहो मैन, फ्रेंड्स, स्कूटरी थोड़ी चक्की की थी तो हम फिर से करने वाले हैं, इस बार नहीं होगा। थोड़ा आगे करो, आगे आगे करो, आगे के कर, थोड़ा आगे करना, टाइट करना, टाइट कर, टूट जाऊंगी रस्सी। हाँ चलो चलो, 1 2 3 गो। और बस बस, रोको रोको, तो गाइज वीडियो आपने देख ली, देखा होगा इन्होंने, हमने टोचन किया तो काफ़ी, एक दो बार, दो तीन बार किया हमने। तो पहले ये जुपिटर थोड़ी सी उठ गई थी, तो गिर गई थी, तो हमने रोक दिया बीच में। फिर ये थोड़ी सी उठ गई थी ऊपर से, तो तीसरी बार किया, तीसरी बार बहुत अच्छा टोचन हुआ, काफ़ी जोर लगा इसने भी, काफ़ी मतलब इतना जोर लगा जुपिटर ने कि मतलब एक्टिवा भी काफ़ी देर के लिए एक जगह रुक गई थी। फिर थोड़ी ज्यादा रेस दी, फिर कम से कम जो एक्टिवा है वो जीत ही गई अपनी जो जान लगा के। तो 125 cc है, चल जितना था, लेकिन फिर भी जुपिटर में काफ़ी दम है। तो ये था आज का टोचन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसी वीडियो आप लेते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।